रामनवमी के दिन अगर श्री राम की पूजा के साथ साथ रामचरितमानस का पाठ किया जाए तो इसका अखंड फल प्राप्त होता है। अगर आप पूरा पाठ करने में सक्षम नहीं हैं, तो इन विशेष चौपाइयों का पाठ इस दिन अवश्य करें। चैत्र नवमी, जिसे रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है, सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक होता है। इस दिन को भगवान विष्णु के सातवें अवतार प्रभु श्री राम के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राजा दशरथ और रघुकुल की रानी कौशल्या के घर में हुआ था। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम ने राजा दशरथ के राज्य अयोध्या में सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया था। भगवान श्री राम को जन्म देने वाली माँ कौशल्या थी। ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के सातवें अवतार हैं। ये तिथि सिर्फ रामनवमी के लिए ही नहीं बल्कि चैत्र नवरात्रि की नवमी के तौर पर भी मनाई जाती है। ये दिन माँ सिद्धिदात्री को अर्पित है। साल 2023 में रामनवमी का पर्व 30 मार्च दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन प्रभु श्री राम की पूजा का विधान है। मान्यता है कि रामनवमी के दिन श्री राम की पूजा से ना सभी दुखों का अंत हो जाता है, वहीं अगर रामनवमी के दिन रामचरितमानस का पाठ किया जाए तो इससे घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण पाठ करने में सक्षम नहीं है तो रामनवमी के दिन उसे रामचरितमानस की इन विशेष चौपाइयों का पाठ अवश्य करना चाहिए। ज्योतिष एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन चौपाइयों के पाठ से व्यक्ति को कई अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इन चौपाइयों और उनसे मिलने वाले लाभों के बारे में विस्तार से। संपत्ति प्राप्ति के लिए, जे सकाम नर सुन ही जे गा वही, सुख संपत्ति ना ना विधि पा वही। इस चौपाई के पाठ से ना केवल आय के नए मार्ग खुलेंगे बल्कि धन में वृद्धि भी होगी। इच्छा पूर्ति के लिए, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ई तात तुम पाही। इस चौपाई के पाठ से हर मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। नौकरी के लिए, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इस चौपाई के पाठ से नौकरी में आ रही बाधा दूर होगी और तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे। शत्रु से बचाव के लिए, बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। इस चौपाई के पाठ से शत्रुओं का षड्यंत्र विफल होगा और आप विजय प्राप्त करेंगे। भय दूर करने के लिए, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़व निहारी। इस चौपाई के पाठ से आपके मन का भय दूर होगा और आपके भीतर निर्भीकता का संचार होगा। नकारात्मकता दूर करने के लिए, माम भिरक्षय रघुकुल नायक, धृतवर चाप रुचिर कर सायक। इस चौपाई के पाठ से आपके आसपास की नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मकता आएगी। श्री राम की भक्ति हेतु, सुनी प्रभु वचन हरष हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। इस चौपाई के पाठ से आप निरंतर राम भक्ति में डूबते चले जाएंगे। विपत्ति दूर करने के लिए, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। इस चौपाई के पाठ से जीवन की हर विपत्ति दूर होगी। स्वास्थ्य के लिए, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। इस चौपाई के पाठ से स्वास्थ्य बेहतर होगा और बीमारी पीछा छोड़ देगी। तो ये थी रामचरितमानस की वो विशेष लाभकारी चौपाइयाँ जिनका पाठ रामनवमी के दिन करने से व्यक्ति को कई लाभ होते हैं। अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें।